9A তিমির বরণ সাহা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মালদা এনএইচ সাব ডিভিশন। ম্যায় আজ বিটুমেন ইরান সে আয়ে হুয়ে হ্যায়, ও বিটুমেন প্যাক বিটুমেন হ্যায়, ও বিটুমেন কা ভিস্কোসিটি হাম লোগ আজ টেস্ট করেঙ্গে, ইসিলিয়ে স্যাম্পল কালেকশন কর রহা হ্যায়। মিশ্রা জি, স্যার ইধার বহুত দেখ রহা হ্যায় কি বহুত বিটুমেন হ্যায়, এ সারে বিটুমেন কহাঁ সে আয়া? ये सर बिटवीन ईरान से आए हैं। ईरान से आए हुए हैं, इसका विस्कोसिटी ग्रेड क्या है? इसका विस्कोसिटी ग्रेड अभी तो हम लोग एनटीएच में कराए थे, जहाँ से पास होकर आया था, फिर हम लोग आज अपना लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए सैंपलिंग कर रहे हैं, जो लेके चल के अभी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करेंगे जी। तो इधर स्वप्नदीप जी इधर आइए, आप बोलिए कौन सा दाम से ये सैंपल लेना है? सर ये वाला से ही ले लेते हैं। ठीक है, वो वाला फिर देखा दो, बहुत दिन से गिरा हुआ है, इसीलिए ऊपर का थोड़ा डस्ट हो गया। हाँ, ये अगर क्लीन कर रहा है, क्लीन करने का बाद हम लोग सैंपल ले लेंगे। सैंपल कलेक्शन हो रहा है, सीधा कड़ाई पे कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये कड़ाई में ही गर्म होगा। इतना और ले, ठीक है। चलो उसको उसी में रखें ना, गर्म करके छोड़ देगा, ले चलो उसी में गर्म कर देगा तो सब उसमें का छूट जाएगा। अच्छा जी सर, चलो हो गया, चलिए चलिए चलिए। नमस्ते, मैं तिमिर बोल सा असिस्टेंट इंजीनियर मालदा एनएच सब डिविजन। मैं आज सिंह आरकेसी जेडी जो 19.205 किलोमीटर टू 46.466 किलोमीटर में NH81 का जो वाइडनिंग स्टैंडर्डिंग और कोई कोई क्लेफ में री अलाइनमेंट के ऊपर पूरा काम चल रहा है। इसका जो लेबोरेटरी टेस्ट है, ये लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है पूरा। इधर इधर प्रेजेंट है, ये जो टेस्ट करने का टाइम इधर प्रेजेंट है, इधर आइए जी, थोड़ा आइए इधर। हम लोगों का एक जेई है, आप अपना नाम बताइए। शेख सरदाम चाँचोल सब डिविजन का जेई है, आप इधर आइए। हमारा नाम गौरव भाई गौरा है, जो चाँचोल लेने सब डिविजन है जूनियर इंजीनियर। और एक है, आप लोग देख लीजिए इधर है, जूनियर इंजीनियर मालदा एनएच सब डिविजन। इधर जो टेस्ट हो रहा है, आज हम लोग टेस्ट करेंगे बिटुमेन सैंपल का। बिटुमेन सैंपल का हम लोग टेस्ट करेंगे विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। जरा हम लोग को दिखाइए ना प्रोसीजर, आप दिखाइए कौन सा तरीका से हम लोग ये टेस्ट करेंगे, दिखाइए थोड़ा आपका मशीन दिखाइए। आप कौन है? लैब इंचार्ज। आप जरा दिखाइए कौन कौन मशीन आपको जरूरत है ये टेस्ट करने के लिए। इधर आप लोग क्या देखेंगे? ये बात हम लोग एब्सोल्यूट विस्कोसिटी चेक करेंगे। हाँ, ये हमारा विस्कोसिटी बात है। हाँ, ये विस्कोसिटी बाद में क्या देखना है, क्या करेंगे इधर? इसमें हम अपना जो ट्यूब है उसको लगाएंगे 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके, और उसके बाद उसमें देखेंगे टाइम स्टॉप वॉच से कि हमारा कितना
सेकेंड में तो हमारा उतना जो मार्क है वहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ है? एक एक करके है देखो, प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर जो हमारा ट्यूब है इसको हम लगाएंगे, इसके बाद हमारा प्रेशर नीचे, तो वो वैक्यूम ऑन पे वो पूरा वैक्यूम हो जाएगा। मिश्रा जी अभी क्या हो रहा है? अभी सर बिटवीन का हम लोग सैंपल लेके आए हैं, हम इसको अपना टेम्परेचर दे रहे हैं 90 डिग्री से कम, इसके बाद हम लोग कंटेनर में लेंगे और 135 जीबी का ओवन में इसको डालेंगे। और इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद फिर उसको बोरोसिल में डालना है जिसे साहब बताए हैं कोड के अनुसार, तो थोड़ा लेके आइए। कहाँ रखे बोरोसिल? नहीं, इसको लेके तुम डायरेक्ट तो बोरोसिल में डालेंगे नहीं, अभी तो कंटेनर में डालेंगे सर। हाँ, अभी कंटेनर में डालेंगे, कंटेनर में कितना क्वांटिटी डालेंगे आप? 20 ग्राम सर, 20 ग्राम क्वांटिटी डालेंगे। वो क्या करेंगे वो लेके? 20 ग्राम लेकर के 135 डिग्री का टेम्परेचर ओवन में डालेंगे। कितना टाइम रहेगा वो? जैसे सर बताया 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट रखेंगे, 10 मिनट रखने का बाद फिर उसको निकाल करके अपना 12 नंबर का जो हमारा बोरोसिल है उसमें ले लो, हाथ में ले लो, डालने के बाद सर इसको भी 10 मिनट के लिए उसमें रखेंगे। इधर कितना तक रखना पड़ेगा? 20 ml सर आएगा, 20 ml जितना यहाँ मार्किंग दिया हुआ है वहाँ तक आना। वो मार्किंग को क्या बोलता है? हेलो, तुम ले लो सद्दम, बोलो सद्दम। पहले पहले एक बार बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? शेख सद्दम सर, जूनियर इंजीनियर, नेशनल हाईवे डिवीजन नंबर 7 मालदा। हाँ बोलो। उसके बाद सर कंटेनर से सैंपल लेकर वो इसको भरेंगे, वो यहाँ जो मार्किंग है मार्किंग को ई लाइन बोला जाता है, 20 ml सैंपल डालेंगे, ठीक यहाँ कंटिन्यूस मार्किंग तक ही ये रहेगा, तो कोई इसका डेविएशन लिमिट है ±2 ml, ±2 ml भरने का बाद इसको लेकर फिर बात में या ओवन में फिर 135 ±5.5 डिग्री में 10 ± 2 मिनट के लिए फिर इसको रख देंगे। उसके बाद इसको निकाल के फिर टेस्ट होगा। उसके बाद में टेस्ट कैसे करेंगे तुम? टेस्ट का इसका प्रोसीजर है सर, इसको वैक्यूम लगाएंगे। इधर आओ। इसका वैक्यूम प्रेशर जो होगा, वैक्यूम प्रेशर उधर है देखो। इसका जो प्रेशर होगा इसको मेंटेन करना है 30 सेमी 8G का मरकरी का प्रेशर में मेंटेन करेंगे करके इसको। और ये है बात, ये शायद ऑयल बात है, ये ऑयल बात का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 60 डिग्री, इसका डेविएशन है 60 ± 0.1 डिग्री। इसको मेंटेन करने के बाद ये ट्यूब को फिर इसके अंदर डाल देंगे 30 मिनट के लिए, 30 ± 5 मिनट के लिए डाल देंगे। डालने के बाद 30 मिनट हो जाने के बाद ये जो ट्यूब है ट्यूब का इधर प्रेशर बाग खोल देंगे। प्रेशर बाग खोलने के बाद जहाँ पर बिटुमिन इस लाइन पर आएगा, एक सर्टेन एप लाइन बोला जाता है, इस एप लाइन के सामने आने के बाद ही टच करेगा, जिस टाइम पे स्टॉप वॉच चालू करेंगे। और ये हो गया बी ट्यूब, बी बाल्ब, ये हो गया सी बाल्ब। यहाँ जो टाइमिंग मार्किंग है यहाँ से बी बाल क्रॉस करके जब इधर नेक्स्ट टाइमिंग मार्किंग पे आएगा जी लाइन वहाँ पे स्टॉप वॉच का टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जी लाइन से एफ लाइन तक जिसे एच लाइन तक ये सी बाल को क्रॉस करेगा विटामिन, और जिस टाइम पे ये क्रॉस करेगा एच लाइन पे टच करेगा उस टाइम को मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करके वो टाइम जो टाइम आएगा हम लोग फर्स्ट फ्लो टाइम
जो 60 मिनट एक्सिट करेगा, 60 सेकंड एक्सिट करेगा, उस टाइम को हम लोग लेंगे। उस टाइम को लेके बल्ब का जो कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन फैक्टर ए बी बल्ब और सी बल्ब, जिसमें भी वो फास्ट जो आएगा वो कैलिब्रेशन फैक्टर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, विस्कोसिटी आ जाएगा, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन इन पॉइस एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है तो ये मिश्रा जी? सर वो बिटुमिन का सैंपल लिया जा रहा है। बिटुमिन का सैंपल, वो कितना टेम्परेचर लिया है वो? टेम्परेचर सर 90 डिग्री। 90 डिग्री तक तो मैक्सिमम लिमिट 90 डिग्री है। अभी 90 डिग्री है में है? हाँ, कितना टेम्परेचर में है अभी सर? अभी उसको लेके वहाँ उसी को ठंडा कर देंगे, ठंडा करके 90 डिग्री करके उसको फिर प्रोसेस किया जाएगा। ठीक ठीक। अभी वन 30 अभी डाल रहा है। देखना है उधर वहाँ था तो आप 20 ग्राम लेंगे हैं? ये अभी अभी उधर क्यों रख रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर जाने के लिए 90 डिग्री में आने आना है तो सर। हाँ, हाँ। तो इसी वजह से उसको टेम्परेचर में आने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा, इसीलिए नॉर्मल अभी देख रहा हूँ डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, आके 90 डिग्री में आएगा, उस हिसाब से काम होगा। अभी 90 से ज़्यादा टेम्परेचर पे, अभी कितना टेम्परेचर है? 120 में है वो। अगर 90 का अंदर में आ जाएगा उसके बाद में तुम क्या करेंगे? वो हो जाने के बाद फिर उस कंटेनर को अभी रख देंगे ओवन में। कितना टेम्परेचर पे? प्लस माइनस 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके 10 प्लस माइनस 2 मिनट तक यहाँ रख दिया जाएगा। तो उसके होने के बाद फिर उसको बाहर निकाल के फिर वो कैनन विस्कोसिटी मीटर में उसको वो ई लेवल तक फिल करके उसको फिर से 135 प्लस माइनस 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड में फिर से 10 प्लस माइनस 2 मिनट तक रख के नेक्स्ट वहाँ जो बाथिंग का काम है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें हम। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वप्नदीप आचार्य, जेई मालदा नहीं सब कुछ। ओके ओके। अभी सद्दम जी, वो आप तो ऐसा किताब देख के ही तो काम कर रहा है ना? ऐसा कोड सा किताब देख के काम कर रहा है सर? आईएस कोड है, आईएस कोड 1206 पार्ट 2 है, 1978 यहाँ है सर। ये इंडियन स्टैंडर्ड 1206 पार्ट 2, ये है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के लिए है, इसको फॉलो करके हम लोग का लैब में काम कर रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट पे इसका स्कोप, सेकंड में इसका टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे ऑपरेटर्स है, क्या क्या ऑपरेटर्स लगता है। फर्स्ट जो लगता है विस्कोमीटर यहाँ टू टाइप का होता है, पहला टाइप कैनन मैनिंग वैक्यूम विस्कोमीटर, सेकंड टाइप जो है एस्फाल्ट इंस्टीट्यूट वैक्यूम विस्कोमीटर, थर्ड टाइप है मॉडिफाइड कॉपर वैक्यूम विस्कोमीटर। हम लोग इंडिया पे जनरली यूज करते कैनन मैनिंग विस्कोमीटर ही यूज करते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी निकालने के लिए विटामिन का। ये एक फोटो है, ये हो गया कैनन मैनिंग विस्कोमीटर का फोटो। इसका जनरली हाइट होता है 232-260। और एक इधर बल्ब है, ए बी बल्ब, ए सी बल्ब, ए डी बल्ब है, ए ई लाइन है, यहाँ तक विटामिन फिल करना है। ये एक सैम्पल फोटो है एस्फाल्ट इंस्टीट्यूट का वैक्यूम कैपिलरी विस्कोमीटर। ये हो गया मॉडिफाइड कॉपर वैक्यूम कैपिलरी विस्कोमीटर। ये थर्मोमीटर जो यूज़ करेंगे यहाँ पे, थर्मोमीटर का स्पेसिफिकेशन है। इधर बात का प्रोसेसिंग है और वैक्यूम सिस्टम के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, और ये टाइम डिवाइस के लिए स्टॉप वॉच जनरली यूज किया जा रहा है यहाँ पे। फोर्थ नंबर आ गया इसका कैलिब्रेशन ऑफ विस्कोमीटर,
तो आप कैलिब्रेशन क्या इधर कर रहा है कि कंपनी का ले रहा है? नहीं, कैलिब्रेशन इधर कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है इधर प्रोसीड्योर पूरा दिया हुआ है डिटेल, लेकिन हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं जो कम जिस कंपनी से वो कैनिंग डिस्कोमीटर आ रहा है उसका स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन उन लोग का उधर सेट किया हुआ है, वही यूज कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे इसका टेस्ट का पूरा प्रोसीड्योर है। प्रोसीड्योर में पहला प्रिपरेशन ऑफ सैंपल है, सेकंड में टेस्टिंग है, टेस्टिंग प्रोसीड्योर है, और ये सिक्स नंबर है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में विस्कोसिटी इन पॉइज वी इक्वल्स टू के टी, टी हो गया वो टाइम इन सेकंड, के हो गया वो कैलिब्रेशन फैक्टर। ठीक है ठीक है। अच्छा स्वप्नदीप जी, वो आप क्या वो सैंपल लेके ओवन में डाल दिया? हाँ सर। तो कितना टाइम पे आपका घोड़ी पे कितना टाइम था उस टाइम? 2:54 था सर। दो चौवन था उस टाइम। 2:54 था। अभी 3:04 होगा, 10 मिनट हो जाएगा, उसको वहाँ से सर निकाल दूंगा। ठीक है ठीक है। अभी तुम लोग क्या कर रहे हैं? खोलो। ये निकलने के बाद ये प्रीतम जी इधर आओ, निकलने के बाद ये क्या कर रहा है? ये अभी इसको इसमें पोर करेगा और ये ध्यान में रखते हुए कि मिनिमम एयर बबल्स इंट्रोड्यूस होना है ट्यूब में, और अभी ट्यूब में डालेगा, ये इस लाइन तक आना है। वो लाइन का नाम क्या है? ई लाइन तक उसको आना है। एक साइड से गिर रहा है, एक साइड से ही होना चाहिए। जब उसमें रखाएगा सब लेवल में आ जाएगा, उसमें रखाएगा तो सब नीचे आ जाएगा। टॉलरेंस में अंदर में है, छोड़ दो। भाई टाइम देखो। हाँ सर, देखिए आराम से बंद करो, टाइम देख लो, आराम से बंद करो। हाँ, के साथ अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है बोलो? अभी थोड़ा खोला कैसा है? 130 सर। 130 ठीक है ठीक है ठीक है। अभी बात का टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री है सर। पूरा 60 डिग्री है। अच्छा गौरव जी, अब बोलिए अभी हम लोगों को क्या करना है? इसके बाद हम लोग इसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे 30 सेंटीमीटर एजी पारस कम्प्रेसर। वैक्यूम क्रिएट कर ले हमारे जे वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या होगा? जो डिस्कोमीटर टा आछे हमरा देखबो। हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। हम लोग वैक्यूम क्रिएट के बाद हम लोग देखेंगे। यहाँ तो विस्कोमीटर ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैं यहाँ फोटो में दिखा देता हूँ। तो विस्कोमीटर में हम लोग वेट करेंगे कब तक इस लाइन तक वो जो बिटुमिन है ये आए। इस लाइन में जब बिटुमिन आ जाएगा, इसको बोलता है फास्ट टाइमिंग मार्क एफ। इस लाइन में जब बिटुमिन आ जाएगा तो फिर हम लोग स्टॉप वॉच चालू करेंगे। स्टॉप वॉच में हम लोग नोट करेंगे कितना टाइम लगता है इस यहाँ से यहाँ तक बिटुमिन को पहुँचने में। फिर इस टाइम को हम लोग को नोट करके रखना है। ये है बी बाल्ब का टाइमिंग। फिर यहाँ से फिर बिटुमिन यहाँ पर उठने में कितना टाइम लगता है एच मार्क तक, सी बाल्ब का टाइमिंग हम लोग को फिर नोट करना है। ये दोनों टाइमिंग हम लोग को विस्कोसिटी को निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा। अभिनव जी आप अगर क्या टिप कर रहे हैं? अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि मेरा पहुँच गया 300 पे चल रहा है कि नहीं, लेकिन देखिए सर एक्यूरेट मेरा 300 पे दिखा रहा है आपको। काटा मेरा जो वैक्यूम पंप का है नीचे सर 300 पे है। वैक्यूम 300 पे सर क्रिएट को छोड़ दीजिए। जीरो आ गया और फिर बंद कीजिए। देखिए 300 चला गया।
अच्छा, ये वैक्यूम को लेके आप क्या करेंगे? अब इसको जब टाइम होगा तब मैं इसको इसमें प्रेशर दूंगा। प्रेशर देंगे, लेकिन ये तो नीचे में नीचे देखा ही नहीं दे रहा है। तो इसको मैं हटा दूंगा, कवर हटाऊंगा और आपको दिखाई देंगे जब शुरू होगा तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो लोग फिट कर रहा है। कपड़ा से पकड़ो उसको, कपड़ा से पकड़ो नीचे, नीचे से पकड़ो ना। अरे कपड़ा को ऐसे मोटा पकड़ो। स्टॉपवॉच शुरू कीजिए सर, स्टॉपवॉच शुरू कीजिए जल्दी शुरू कीजिए सर, स्टॉपवॉच लाइन दूं मैं। ना ना ना, ठीक है हुआ। एक आदमी आ जाइए इधर, आप आइए ना, एक आदमी पास में आइए, बोलिए स्टार्ट करूं? स्टार्ट कर दो, करूं बोलिए जल्दी। देखिए आपको मार्क सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ, आप ऊपर उठिए ना सर, ऊपर उठिए आप, वहाँ देखिए आपको सब सब मार्क आपको दिखाई देंगे सर। सर देखिए तो दूं दीवाल पे देखो, सब देखिए सब है आपका, देखिए सब बिल्कुल है सर, बिल्कुल लाइन में नीचे लाइन में। पास में करो मोबाइल, पास में चालू कीजिए ना आप, चालू कीजिए मशीन, चालू स्टॉप पर चालू कीजिए, स्टार्ट। उम्मीद देखो काटा कितना बता रहा है अखन तो 80 स्टॉप पर चल बनना ठीक है तो बढ़ेगा नहीं, प्रेशर लेगा तो कम है, वो होगा सर वैसा ही, एक दो बार नया चीज है सेट करने में सर। ना वैसा होता ही है, थोड़ा 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 सीधा करके रखे, सीधा करके सीधा करके ঠিক আছে सेट, तुमको 300 करके रखो, थोड़ा इधर उधर होता है तो वो आगे तुम्हें थोड़ा मुड़ा था, वो मशीन भी चीज है। देखिए टेम्परेचर का आज देख लीजिए साफ, मैंने जो चाहिए कम हो रहा है और कम हो रहा है, खत्म। ऊपर उठाइए, हल्का हल्का ऊपर उठाइए, सीधा रखिए बोल्ट को, आप हाथ टेढ़ा क्यों करके रखे हैं सीधा? ऐसा होगा, ऐसा आपका हाथ को आप उसमें हाथ टच करके रखे हैं ना, इसीलिए टेढ़ा हो जा रहा है। आप हाथ उसमें टच मत कीजिए, उसमें बात में हाँ डुबा देंगे तो दिखेगा आपको कैसे, उसे तो ऊपर उठा के रखा है ठीक है। देना ना, हमें देखते स्टॉप बोलेंगे, हम बोले दीजिए, तुम देखो अपना, तुम अपना देखो, फोटो लो फोटो, रे तुम लोग बैठे हो मुंह पर गाल पर हाथ धके, बढ़ रहा है क्या सर? बढ़ रहा है, टाइम लगेगा, टाइम तो उसमें 12 सेकंड लगेगा, अभी तो आपका कितना 3 मिनट होने जा रहा है। बाल भी तो जल्दी हो गया, बॉल भी जल्दी होता है, बॉल सी के लिए 12 मिनट प्रॉब्लम हो गया, मतलब वही 7 मिनट लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, सटीक दिख रहा है सर, एकदम दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर जब उस बीच आएगा ना, तब आप ये वर्टिकली ठीक ठाक से रख देना, तो फिर वो जो पॉइंट है उसको ठीक ठाक से, बिल्कुल सही है सर, 60.3 प्लस माइनस ठीक है।
रिजल्ट निकल गया आने वाला है ठीक है अभी देर टाइम है वो देखिए धीरे धीरे अरे सर आप थोड़ा सा कैमरा नीचे करेंगे मोबाइल हमको नहीं दिख रहा हो गया मैं हूँ तो दिख रहा हूँ होने वाले हैं हाँ टाइम काउंट कीजिए स्टॉप 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 बाल बी हुआ 65 सेकंड बाल बी यहाँ लिखिए 65 सेकंड और बाल सी में लिखिए माइनस 207 माइनस 65 207 सेकंड फैक्टोरी अब फैक्टर यहीं पे होगा फैक्टर मैं है मेरे पास 307 कंपनी का पेपर से देखो क्या फैक्टर है है ना वही ना बाल बी से 33.8 ठीक है जो हुआ आप लिख दीजिए पहले जो हुआ है वो लिखो पहले जो हुआ है पहले लिखो हाँ 3.2775 कितना आया बोलिए कितना आया 3488 यही आएगा 8583 अभी सर यहाँ दो ले रहा हूँ उधर हिसाब एक नहीं निकली हमारे तो हमें ना अभी दोनों ही लिख ले रहा हूँ ना लिख ले रहा हूँ अभी जो डिसाइड करेगा चीफ इंजीनियर करेगा बोल ही दिया 60 सेकंड अब आप कर दीजिए और वो दिया ही हुआ है एसटीएम ठीक है सर हमारे जो 2163.04 प्लस 3488.42 राइट नो रॉन्ग कितना आया 2825.50 ही लिखा ओके और एज पर मिश्रा जी अभी कितना रीडिंग निकला रीडिंग सर हमारा एवरेज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 2825.50 कैसे निकला आप सर हमारा बी बॉल का रीडिंग रहा 65 सेकंड बॉल सी का रीडिंग रहा 207 सेकंड ठीक है सर इसे हम इवेक्शन फैक्टर जो हमारा है उसे हम इनटू मल्टीप्लाई करने पर हमारा बॉल बी का रीडिंग मिला 2163 और बॉल सी का मिला 3488 इसका एवरेज करने पर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 2825.5 मिला कैसे निकला तुमने दोनों को क्या मिला दोनों के को एवरेज किया सर दोनों दोनों को एवरेज हाँ किया वो जो एवरेज किया है ना वो किधर लिखा हुआ है वो पेपर निकलो निकालो वो कौन आईएएस कोड में वो लिखा हुआ है तुम पेपर निकालो उसका बाद बीच में ये डिपार्टमेंट का जो दो जेई है उनसे हम लोग बात कर रहा है तुम लोग आईएएस कोड निकालो स्वप्नदीप जी और स्वप्नदीप जी और फादम जी और इधर प्रीतम जी और गौरव जी कहाँ है गौरव जी तो आप लोग तो थोड़ा कैलकुलेट किया है सर, आपका कैलकुलेशन के हिसाब से क्या निकला कैलकुलेशन के हिसाब से जो अगर एवरेज में लेंगे मैं दो ही बोल रहा हूँ सर कि एवरेज में लेंगे तो वो आ रहा है 2825.50 पॉइंट्स ओके बट इसमें एक चीज़ है कि एज पर एसटीएम डी 2771 उसका आर्टिकल 8.1.8 एंड 6 तारीख मार्च का चीफ का विजिट का टाइम भी चीफ ने बोला था कि
तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो इन दिस केस बाल बी में 60 सेकेंड अबाव हो गया, बाल बी में बी का टाइमिंग फ्लो में 65 सेकेंड, दैट मीन्स हम लोगों को वो कैलकुलेट करना है 65 सेकेंड के हिसाब से, नॉट एवरेज के हिसाब से, बाल बी प्लस बाल सी, बाल बी का उस हिसाब से बाल बी का जो रिजल्ट आया है वही यहाँ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी माना जाएगा एज पर, मैं रिपीट बोल रहा हूँ, एज पर ASTDM 2771 एंड 6 मार्च 2022 चीफ इंजीनियर सर, ऑनरेबल चीफ इंजीनियर सर का जो बात बोले थे उसको यही मिला। तो आपका जो वो तो कोई शंका है वो पॉइंट टू सिक्स जो जो बोल रहा है वो हिसाब से हम लोग को तो एक पता है कि BG-10 BG-20 BG-30 तो ये कौन सा BG में गिरा हुआ है, ये BG-20 में गिरा हुआ है, BG-20 का जो लिमिट है 1200 से 2400 तो वो लिमिट का अंदर ही है रिजल्ट, इधर है 2163 वो आए 63 मतलब 2400 का नीचे है तो ये BG-20 है। ये कैलकुलेशन करने का टाइम, ये कैलकुलेशन करने का टाइम तुम लोग कौन कौन कोड फॉलो किया, IS कोड कौन 6 part 2 और जो है ASTM D2771 ठीक है। मिश्रा जी इधर आओ, तुम जो बोल रहा है कि एवरेज होगा वो कौन सा कोड में लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, आप फोन करके लिखा। स्वप्नदीप जी तुम जो IS कोड बोल रहे हैं ना फिर से एक बार बोलो। वो सर मैं पहली बार थोड़ा गलती से वो बोल दिया था, वो है ASTM D2171 सर, 2171 ठीक है। मिश्रो जी अब तक आया नहीं ना, केज नंबर की मैं तिमीर बोरन सा असिस्टेंट इंजीनियर मालदा NH सब डिविजन, मैं इधर आज पूरा दिन रात रहे थे, बिटुमेन सैंपल कलेक्ट किया है, उसके बाद में जो जो टेस्ट विस्कोसिटी निकलने के लिए जो जो टेस्ट है वो सभी हम लोग निकल लिया है और टेस्ट रिपोर्ट भी निकल गया। टेस्ट रिपोर्ट में जो है वो तो मैंने बता दिया, इधर क्लाइंट का साथ कॉन्ट्रैक्टर का एक मौत का एक डिफरेंस आ रहा है, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से जो मटेरियल इंजीनियर है वो बोल रहा है कि जो रिपोर्ट है दो बल्ब का जो दो रिपोर्ट है वो उनको एवरेज करके करना है। मैंने बोला कि भाई तुम कौन सा कोड में लिखा हुआ है वो देखा, और इधर क्लाइंट का जो JE है ना वो JE लोग बोल रहा है कि जो जिसमें 60 सेकेंड का अंदर में होगा वही रिपोर्ट लेके टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो लोग एक रिपोर्ट दे दिया, वो लोग तो प्रो IS कोड सभी बोल दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से अभी तक IS कोड नहीं आया, शायद नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरीका से आप लोग देखते जाइए हम लोग क्या क्या कर रहा है साइड में, क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर साइड में, लेबोरेटरी में काम करने का टाइम क्या क्या रुकावट आता है वो भी आप देख लिया, क्लाइंट का साथ कॉन्ट्रैक्टर का किस कोई कोई पॉइंट में थोड़ा डिपेंड्स भी आता है वो भी आप लोग देख लिया, सब जांच करके, और हम लोग जो टेस्ट कर रहा है उनका अगर कोई गलती होगा वो भी आप बोलिए कि ऐसा ऐसा गलती हो गया। मैं ये जो सब बना रहा हूँ ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट के लिए है, जो अगर उन लोगों को पढ़ाई में अच्छा ही लगेगा तो मेरा मन भी अच्छा होगा। तो भी मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि काम करने का टाइम कोई कोई एपरेटस बिगड़ जा सकता है, कोई कोई में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा
व्यवस्था इधर उधर करके जैसे वो अच्छा ही रिजल्ट है वो करने का कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा थोड़ा गलती तो हो सकता है, लेकिन जो गलती है वो मैं मिनती करता हूँ एक्सपर्ट इंजीनियर से, वो हम लोग का आँखों से लेके आइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा गलती हो गया। मैं सबको सम्मान जानाकर प्रणाम जानाकर मैं ये वीडियो अप कर रहा हूँ।